मेरे पास असल घड़ी मौजूद है। इमरान खान मुकदमे का शौक पूरा कर ले। सऊदी वाली अहद से तोहफे में मिली घड़ी के खरीदार उमर फारूक अपनी बात पर डट गए। रेड लाइन व तलत में खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, फवाद चौधरी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बयान वापस लेने के लिए पैगाम भी भिजवाया था। रकम की अदायगी के लिए फरा गोगी ने बड़े नोटों का तकाजा किया और पैसों का इंतजाम करने में पूरा एक दिन लगा। दूसरा कैसे हो सकता है? सऊदी वली अहद से मिलने वाली घड़ी का खरीदार मैं ही हूँ। उमर फारूक अपनी बात पर कायम, कहा मुकदमे की धमकियों से खौफजदा होने वाला नहीं। इमरान खान की थ्रेट के आपके खिलाफ वो मुकदमा करेंगे, डू यू थिंक इट्स अ होलो थ्रेट है? आर यू रेडी फॉर दिस? सीरियस है? मोस्ट वेलकम जी, अगर करना चाहते हैं जी, मेरे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने कोई झूठ बोला। नहीं, मैंने ये कहा कि इमरान खान खुद आए थे यहाँ पे बेच के गए। मैंने तो जो बात थी उसको मैंने क्लैरिफाई किया। रेड लाइन विद तलत में उमर फारूक ने इंकशाफ किया कि फवाद चौधरी ने बयान वापस लेने का मैसेज भी भिजवाया। फवाद चौधरी साहब ने मैसेज किया था जी, तो आप जो ये जो आपने एलिगेशन लगाए वापस ले ले। मेरे बड़ा अच्छा दोस्त है जी, अच्छे दोस्त थे। अब मैं तो नहीं कह सकता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद को अच्छे दोस्त है कि नहीं है। मेरे पास दुबई आए, विजिट किया, मैंने उनको सब। उमर फारूक का मजीद कहना था कि अदायगी के लिए उनसे बड़े नोटों का मुतालबा किया था। बड़ी अच्छी तरह याद है कि हजार हजार के नोट इन्होंने कहा था कि बड़े नोट चाहिए, कैरी करने में आसानी होगी और कैश चाहिए। किन्होंने कहा था? इन्होंने बैंक अकाउंट में जी फराग होगी ना जी, अगर वो मांगती बैंक अकाउंट में तो मैं बैंक में ट्रांसफर कर देता। इनफैक्ट उस कैश अरेंज करने में मुझे एक दिन लग गया। उमर फारूक ने काबा एडिशन की खरीदारी को अपने लिए एजाज करार दिया। बताया कि कंपनी डीलर ने उन्हें घड़ी $5 मिलियन में बिकवाने की पेशकश भी की थी।